हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की। 24 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, याद रखिएगा नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाके ऐप को डाउनलोड करके इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जैसे कि यूपीएससी की टेस्ट सीरीज की बात करें 237 टेस्ट, प्रीलिम्स की जीएस टीसेट प्रीवियस ईयर पेपर, और सबसे बड़ी बात हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध है, तो इसकी भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट को दे सकते हैं। तो इसलिए अभी आप डाउनलोड कर लीजिए इसका नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी लिंक लगी हुई है। आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रथम करंट अफेयर्स हमारी है कि सरयू नदी, याद रखिएगा सरयू नदी या सरजू नदी एक ही होता है, ठीक है, कहीं कहीं इसको सरजू या फिर इसको कहीं कहीं सरयू नदी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में अपना पहला कछुआ का संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। यहाँ पे देख सकते हो कछुआ का, इस तरीके से कछुआ का संरक्षण किया जा रहा है सरयू नदी में। तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने सरयू नदी में एक कछुआ संरक्षण का रिजर्व स्थापित करने के लिए तैयार किया है। गोंडा जिले में घाघरा की सहायक नदी है सरजू, जिसमें समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा गोंडा जिले से एक घाघरा की सहायक नदी है सरजू, याद रखिएगा। तो अब एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि सरजू किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी सरजू है, जिसमें गोंडा जिले में कछुआ के लिए यहाँ पर संरक्षण रिजर्व घोषित किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो रिजर्व के लिए सरजू नदी का 2 किलोमीटर का खंड प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर पौधों, पक्षियों, मछलियों और जल सांपों की प्रजातियों से भी समृद्धता पाई जाती है। सरजू भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है सरजू या पर सरयू नदी पर ऐसी भारत की केवल नदी है जिस वहां पर 9 प्रजाति पाई जाती है। किस चीज की पाई जाती है? कछुआ की, यार कछुओं की 9 प्रजाति पाई जाती है। इनमें से 8 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध भी है, एक नहीं है केवल 8, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची जो होती है अनुसूची, उसमें 1 में सूचीबद्ध है। न केवल कछुओं बल्कि मछलियों की 30 प्रजातियां भी तथा पक्षियों की 50 प्रजातियां यहाँ पर संरक्षण के लिए 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए प्रबंधन यहाँ पर मैनेजमेंट को लागू किया जा रहा है। पिछले 2 दशकों से बात की जाए तो लुप्त प्राय जो ग्राउंड नदी कछुओं की आबादी में भारी कमी देखी आई है। यहाँ पर देखिएगा 2 दशक से सबसे ज्यादा लुप्त प्राय जो ग्राउंड नदी है वहां पर कछुओं की आबादी जो है भारी गिरावट देखी गई है। उसी के दरमियान क्या हो रहा है, यहाँ पर कछुओं को यहाँ पर संरक्षण रिजर्व घोषित किया जा रहा है। घाघरा की सहायक नदी सरजू है और गोंडा जिले से इसका किया जा रहा है। आप लोग चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से वहां पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको उपलब्ध रहेगी। याद रखिएगा सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, कोई भी नोटिस आता है एग्जाम का तो वहां पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां पर डायरेक्टली नोटिस डाल जाता है। तो आप सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ऐप की भी लिंक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की हमारी सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी का दिन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? विश्व चिंतन दिवस के रूप में, किससे? विश्व चिंतन दिवस के रूप में, जो हम सोचते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दोस्ती, भाईचारे और महिलाओं की सशक्तिकरण जश्न मनाने के लिए हर साल 22 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व चिंतन दिवस के रूप में। यह विश्व स्तर पर 10 मिलियन यंग गर्ल गाइड और यंग लेडी स्काउट्स के विकास के लिए धन जुटाने का एक मंच प्रदान करता है, याद रखिएगा। विश्व चिंतन दिवस 2024 की अगर इस वर्ष की हम विषय की बात करें क्या था, तो हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य, याद रखिएगा हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य इस वर्ष का विषय रहा, या कह सकते हैं कि थीम रही है। विषय या थीम एक ही बात मान लो आप, कि विषय या थीम एक ही चीज रही है, हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में कोई डे की तारीख अक्सर ही पूछी जाए, लेकिन थीम जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का एक टिकाऊ और समावेशी दुनिया बनाने पर केंद्रित करना, मतलब कि ध्यान एकत्रित करना, जहां पर लड़कियों को फलने फूलने की क्षमता का
यहाँ पर उनकी प्रदर्शन किया जा सके, क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के साहस और सशक्तिकरण साथ में दृढ़ संकल्प का सम्मान करने का दिन भी होता है। याद रखिएगा यहाँ पर महिलाओं कह सकते हैं कि फीमेल के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, फीमेल को यहाँ पर लड़कियों को महिलाओं को साहस शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर सम्मान दिलाने की बात की जा रही है। आज के हमारे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, पहला याद रखिएगा पहला निजी उद्योग वाणिज्यिक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा है। कहाँ पर उतरा है? मून, याद रखिएगा चंद्रमा पर उतरा है। वो कैसा है? निजी है, प्राइवेट है ये। वो कहाँ का है? अमेरिका का है। तो किस कंपनी का है इसकी बात करेंगे और किस तरीके से उतरा है इसकी बात करेंगे, क्योंकि आप फोटो देख पा रहे हो कि चंद्रमा पर उतारा गया है। ह्यूस्टन स्थित एक कंपनी है जिसने 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान उतारा है। वो कैसी है? प्राइवेट, निजी कंपनी है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण ह्यूस्टन स्थित इनोवेटिव मशीन्स द्वारा किया गया है। यह नासा के द्वारा वित्त पोषित है, ये भी याद रखना है कि एग्जाम में आए किसके द्वारा वित्त पोषित है, नासा के द्वारा वित्त पोषित है। मानव रहित वाणिज्यिक रोबोटों का एक नए बेड़े का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक दशक के अंत में अंतरिक्ष यात्री मिशनों के लिए मार्ग का निर्माण करने, मार्ग का पता लगाने, मार्ग का प्रशस्त करना है। याद रखिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके मिशनों के लिए जो रूट है या मार्ग है उसका प्रशस्त करना है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना, इसका दक्षिण ध्रुव का साउथ पोल का पता लगाना और पर्यावरण की जो स्थितियां हैं उसका अध्ययन करना, साथ में पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए बर्फ की कटाई करना, साथ में व्यापक चंद्र अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देना। याद रखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बात की जा रही है। जो साउथ पोल है, याद रखिए कौन सा, जो साउथ पोल है उसका पता लगाना। इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या रखेगा, जो पर्यावरण की स्थिति है उसका अध्ययन करना, साथ में जो वाटर पीने वाला जो पानी है उसका यहाँ पर अध्ययन करना, रॉकेट में जो ईंधन फ्यूल भरा जाता है उस फ्यूल का यहाँ पर पता लगाना, बर्फ होती है यार की जो बर्फ है उस बर्फ की कटाई करना, साथ में इकोनॉमी के लिए भी लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजों को देखते हुए इस लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है और ये निजी और नासा के द्वारा वित्त पोषित मानव रहित वाणिज्यिक रोबोट में से एक माना जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और बहुत ही मोस्ट पावरफुल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप इस सांप को देख पा रहे हो, ये जो सांप आप देख पा रहे हो ऐसा वैसा सांप नहीं, ये एनाकोंडा है। क्या है? एनाकोंडा है। अब आप लोग कहोगे एनाकोंडा क्या ही चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय ये बन चुका है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। याद रखिएगा सांप खोजा गया है, कहां पर खोजा गया? तो अमेजन के वर्षा वन में खोजा गया है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। कितना बड़ा है? तो एनाकोंडा की बात करें 7.5 मीटर की लंबाई और लगभग 500 किलोग्राम वजन तक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने स्वदेशी बोरानी समुदाय, याद रखिएगा ये समुदाय जो, याद रखिएगा बोरानी समुदाय के साथ सहयोग किया और इक्वाडोर, याद रखिएगा साउथ अमेरिका में ही इक्वाडोर के अमेजन में बेहुरी बोरानी क्षेत्र में अध्ययन किया हुआ है। कौन सा? बेहुरी बोरानी क्षेत्र में अध्ययन किया है। एनाकोंडा की बात की जाए तो यूनिक्रेटस प्रजाति के बड़े सांपों का एक समूह है, मतलब की ग्रुप है यूनिक्रेटस प्रजाति। एनाकोंडा क्या है? यूनिक्रेटस जो प्रजाति है बड़े सांपों का एक समूह है। इस नई प्रजाति के नाम को अब तक सबसे बड़े और भारी सांप का रिकॉर्ड है। इससे पहले एनाकोंडा की केवल 4 प्रजातियों को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा सांप था। देखिएगा आप देख सकते हो ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा सांप था। खास तौर पर देखा गया है कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है जैसे कि अमेजन, ओरिनोको और एस के विश्व नदी घाटियों में यह पाया जाता है। तो ये 3-4 क्षेत्र वहां पे साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका में है, वहां पर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है और अभी खोजा गया है अमेजन के वर्षा वनों में 7.5 मीटर लंबाई और लगभग 500 किलोग्राम का वजन के साथ। तो इसको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, प्रमुख व्यक्ति का निधन हो चुका है। अब निधन किसका हुआ है? 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, मनोहर जोशी का हुआ है। किसका हुआ है? मनोहर जोशी जी का। याद रखिएगा मनोहर जोशी जी का निधन हो चुका है, 86 ईयर की आयु में हो चुका है इनका निधन। इन्होंने 1995 से लेके 1999 तक, याद रखिएगा 1995 से लेके 1999 तक इन्होंने महाराष्ट्र के, कहां के? महाराष्ट्र के सीएम के पद पर कार्य किया हुआ है। याद रखिएगा उन्होंने 2002 से लेके 2004 तक, कब से बात कर रहे हैं? 2002 से लेके
2004 तक कहां पर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी, यार के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो इन्होंने 1995 से 1999 महाराष्ट्र के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ में 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, याद रखिएगा 2006 से लेके 2012 तक ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। 1999 से 2002 तक भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के मंत्री भी रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगर ये बात जाए कि नेता तो थे ही, लेकिन किस सेना के थे, तो शिवसेना के थे, याद रखिएगा शिवसेना के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नेताओं में से एक इनको नाम जाना जाता है। किस नाम है इनका? मनोहर जोशी इनका नाम है, और 86 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। खनिज उत्पादन बढ़ा है, मिनरल्स का उत्पादन बढ़ा है 5.1% तक बढ़ चुका है। तो कब से कब तक बढ़ा है? तो दिसंबर 2023 की रिकॉर्ड बात की जा रही है। कब की? याद रखिएगा 24 चल रहा है, लेकिन हम किसी भी रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पिछले साल या पिछले मंथ की बात करते हैं, दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं। खनिज उत्पादन 5.1% बढ़ा हुआ है। बात करें दिसंबर 2022 की तुलना में, मतलब कि एक साल पहले की तुलना में, याद रखिएगा दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में खनिज उत्पादन 5.1% बढ़ चुका है। अप्रैल से दिसंबर 2024, मतलब कि 2023 और 24 की अवधि में देखा जाए तो खनिज उत्पादन संचयी वृद्धि जो हुई है पिछले वर्ष की अवधि में 8.5% से अधिक थी। याद रखिएगा दिसंबर 2023 के दौरान की बात की जाए तो मैग्नेसाइट, लिग्नासाइट, चूना पत्थर, कोयला, प्राकृतिक गैस, जस्ता, मैग्नीज, सीसा, ताबा, बॉक्साइड, इन्होंने समृद्धि वृद्धि देखी है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव वृद्धि देखी गई है इन सब चीजों में। जो मिनरल्स है ये मैग्नेसाइट, लिग्नासाइट, चूना पत्थर, कोयला, गैस, जस्ता, मैग्नीज, सीसा, ताबा, बॉक्साइड, इन्होंने वृद्धि दिखाई है। दिसंबर 2023 की और बात करें तो महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन कोयला का 929 लाख हुआ है, लिग्नाइट का 40 लाख, पेट्रोलियम कच्चा तेल का 25 लाख, लोह अयस्क का 255 लाख और चूना पत्थर का 372 लाख टन हुआ है। मतलब ये सब चीजें क्या है? टन में है, याद रखना है लाख टन में है, ठीक है। दिसंबर 2023 में पेट्रोलियम कच्चा तेल -1%, सोना 29.9%, क्रोमाइट 30.8%, फास्फोराइट 31.2%, डायमंड 74.4% नकारात्मक वृद्धि दिखाई गई, मतलब ये नकारात्मक वृद्धि इन्होंने दर्शाई है। तो याद रखिएगा, तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपको बता दी है। अगर एग्जाम में है तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग देखोगे तो मिनरल्स के बारे में, खनिजों के बारे में एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है इसकी वृद्धि हुई है या इसमें कमी आई है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं। आयुक्ति हुई है, नियुक्ति हुई है, किसकी हुई है? तो सत्कर्ता आयुक्त की हुई है, याद रखिएगा सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई है। किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। किसकी की है? तो A.S. राजीव कुमार की हुई है। बात करते हैं कौन है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य कार्यकारी, मतलब कि CEO है, और A.S. राजीव को सत्कर्ता आयुक्त का नियुक्त किया गया है। तो राजीव कुमार की आप फोटो भी देख सकते हैं, इससे की याद रहे। CBS अधिनियम के तहत केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें से एक केंद्रीय आयुक्त नियुक्त होता है, 2 सत्कर्ता आयुक्त अलग होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 होते हैं, एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। बिजवीर कुमार श्रीवास्तव दिसंबर 2023 से केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यह भारत में एक शीर्ष, मतलब की सर्वोच्च भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। याद रखिएगा जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, याद रखिएगा 1964 में भी किसकी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो के संथानम, ये एग्जाम में आता है किसकी सिफारिश पर हुई थी, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है खासतौर से MPPSC में कि सत्कर्ता आयोग की जो समिति की किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे 2003 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 के तहत एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यार कौन सा वैधानिक दर्जा है? इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। CBS अधिनियम आयुक्तों की जो नियुक्ति एक विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अभी वर्तमान में राजीव कुमार की गई है, और प्रीवियस में देखा जाए कौन थे, प्रेमिल कुमार श्रीवास्तव मई 2023 से कार्यरत थे। ठीक है, इसमें तीन मुख्य आयुक्त होते हैं जिसमें से एक केंद्रीय आयुक्त, दो अनायुक्त होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वाराणसी में यार के कहां पर, वाराणसी, वाराणसी कहां पे, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास पहलों का अनावरण मतलब कि लोकार्पण किया हुआ है। कौन कौन से इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। और नट लर्निंग ऐप नाम से, रखिएगा नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, और मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए आपको भी पता है। ठीक है, तो 13,000 करोड़ रुपए की जो आधारशिला रखी गई है, अनावरण किया गया, किस किस चीजों में रखी गई है, उस परियोजनाओं का हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बुनकरों के लिए रेशम कपड़ा मुद्रण सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। UPSIDE एग्रो पार्क के लिए यहाँ पर करखियाव में बनास काशी संयुक्त दूध प्रसंस्करण मतलब की दूध की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी स्थापना की गई है। मुख्य विकासात्मक की बात की जाए तो UPSIDE एग्रो पार्क करखिया में बुनियादी जो ढांचागत कार्य है उसकी स्थापना लोकार्पण किया गया है। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने BHU ने नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी है। जिला में राइफल शूटिंग रेंज और सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के चरण प्रथम का उद्घाटन किया हुआ है। CM शिवपुर पुलवरिया लहर तारा मार्ग का भी इन्होंने निरीक्षण किया हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आधारशिला मुख्य मुख्य रखी गई है, मुख्य इंपोर्टेंट बताई है, बाकी की बहुत सारी है वो एग्जाम के पर्पज से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट और अंतिम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है महिलाओं के लिए, याद रखिएगा वुमेन्स के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी मतलब की साइंस एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नवाचार स्वाति पोर्टल की नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कौन सा, स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्या पोर्टल है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम समझे तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी मतलब की INSA ने नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा महिलाओं के लिए स्वाति नाम का एक पोर्टल को लॉन्च किया हुआ जिसका फुल फॉर्म है विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसे विज्ञान में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल पूरी तरह से इंटरेक्टिव डेटाबेस है, भारत में अपनी तरह का यह पहला पोर्टल है इस तरह का, स्वाति पोर्टल, याद रखिएगा कैसा पोर्टल है, स्वाति पोर्टल है, इसका नाम को याद रखना है आप लोगों को, एक इंटरेक्टिव डेटाबेस पोर्टल है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा निकल कर यही आता है, तो विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित मैथ के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व, जो उनका प्रदर्शन है, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है और उसके माध्यम से उनको उपलब्ध हो सके, इस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है। तो इस स्वाति पोर्टल का काम बहुत उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।